दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। हर बार की तरह आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए ऐसे प्रोडक्शन कंपनीज जो आपको जरूर चौंका देगी। शाउट आउट पाने के लिए इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कलर डिसाइड किया जाता है और छोटे से अमाउंट में उसे टेस्ट किया जाता है। सस्पेंशन बेस की मदद से इस नेल पॉलिश को एक कांस्टेंट कलर मिल जाता है। फिर उसमें पॉलीमर मिलाया जाता है ताकि नेल पॉलिश हमारे नाखूनों पर चिपके रहे। ये कंपनियां हर रोज 5 टन नेल पॉलिश बनाती है। अब ये बड़े कैंस को फिलिंग मशीन से अटैच किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कांच की बोतल को भरने के लिए रेडी किया जाता है। जो कांच की बोतल को बनाने के लिए ग्लास इस्तेमाल किया जाता है वो इटली से मंगाया जाता है। अब इन बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पर एक लाइन में अलाइन किया जाता है। अब इन बॉटल में मेटल से बनी हुई गोलियां डाली जाती है जो इन नेल पॉलिश को मिक्स रखने में मदद करती है। अब एक नोजल से इन बॉटल्स में नेल पॉलिश भरी जाती है। अब इन्हें बनाने के लिए ब्रशेस को रेडी किया जाता है। अब उन पर कैप्स लगाई जाती है ताकि ये बाहर न गिरे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। इन नेल पेंट्स को फिर पूरी दुनिया में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इस चीज को चाहे आप कितना भी मजाक उड़ा लो, पर यही वो चीज है जो हमें भिन्न बीमारियों से बचाती है और हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित रखती है। हमें पता है कि आप इसे जानने के लिए काफी उत्सुक है, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। इसे आकार देने के लिए कांच के सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले बार की कोई भी चीज इस पर चिपकी न रहे, इसलिए इसे अच्छे से धोया जाता है। यदि ऐसा न किया जाए तो उस रबर में होल गिर सकता है। अब उन्हें लिक्विड लेटेक्स में डुबाया जाता है। जब ये डूब रहे होते हैं तब ये कांच का सांचा घूम रहा होता है ताकि ये लेटेक्स सारे बाजू से अच्छे से लग जाए। अब उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद उन्हें फिर से उसी लेटेक्स में डुबाया जाता है। सही अमाउंट में जाड़ा होने के बाद उन्हें आगे भेजा जाता है। इसकी थिकनेस यानी मोटापन अलग अलग ब्रांड्स के अनुसार बदलता रहता है। अब एक रोलर इसके एंड से इसे थोड़ा सा रोल कर देता है ताकि इसे पकड़ने में आसानी हो। अब उसे ड्रायर से निकाला जाता है जो उसे सुखा देता है और इलास्टिक बना देता है। अब वाटर जेट की मदद से इन्हें निकाला जाता है। ये कंपनी 1 घंटे में 80,000 पीसेस बनाती है। अब इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर 60 मिनट तक धोया जाता है। अब इन्हें टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में इनमें हवा भरी जाती है। ये फूटने से पहले 80 लीटर हवा को अपने में भर सकते हैं। अब उनके लीक्स को चेक किया जाता है। उसके लिए उनमें पानी भरा जाता है। इस तरह हर एक पीस को चेक किया जाता है। मशीन छोटे से भी छोटा होल को जल्द ही डिटेक्ट कर लेता है। जो पीस ये टेस्ट पास कर लेते हैं उन्हें पैकिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इन पर फिर सिलिकॉन ऑयल लगाया जाता है और फिर रोल करके कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अब उन्हें खास तरह के पेपर में पैक किया जाता है। इस समय इन्फेक्शन को टालने के लिए उनमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया जाता। अब इन्हें अपने ब्रांड्स के बॉक्सेस में भरा जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब तक मुर्गा ना हो तब तक अंडों में चूजे नहीं बनते। और बाहर से अंडों का कलर कुछ भी हो, चाहे वो सफेद हो या फिर ब्राउन, अंदर से सारे एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जब मुर्गियां 19 हफ्ते की हो जाती है तब उन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहाँ पर वो अंडे देना शुरू कर देती है। यहाँ पर टेम्परेचर और लाइट को मेंटेन किया जाता है ताकि मुर्गियां हेल्दी रहे और अंडों की क्वालिटी अच्छी रहे। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। इनके खाने में अलग अलग चीजें होती है जैसे कि गेहूं, चावल, सोयाबीन, जो इन्हें अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करती है। यह मुर्गियां पानी पीने के लिए नोजल का इस्तेमाल करती है जो इनके केज के अंदर ही लगा होता है। हर एक मुर्गी साल के कम 300 अंडे देती है। इन मुर्गियों के केजेस पर ढलान होती है जो इन अंडों को अपने आप कन्वेयर बेल्ट पर डाल देती है। अब इन अंडों को बड़े कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जो उन्हें पैकिंग के लिए आगे भेजता है। अब खराब अंडों को बाजू में निकाला जाता है। बाद में ऑटोमेटेड मशीन इन अंडों को प्लास्टिक ट्रे में ट्रांसफर कर देती है। अब इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जो इनकी क्वालिटी चेक करता है। कम क्वालिटी या खराब अंडों को बाहर निकालकर दूसरी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि शैम्पू। सबसे पहले एक सक्षम पंप इन अंडों को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर डालता है। इन्हें ड्रायर में कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। अब इन्हें ब्राइट लाइट के ऊपर से गुजारा जाता है। फिर वहां पर काम कर रहे लोग टूटे हुए या खराब अंडों को बाजू में निकालते हैं। अब दूसरी मशीन मेटल बॉल से टैप करती है जो कि इन अंडों के शेल्स की शक्ति को मेजर करती है।
अब ऊपर उनका सीरियल नंबर प्रिंट किया जाता है जो उनकी एक्सपायरी डेट बताता है। अब इन्हें ट्रेज में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इसे बनाने के लिए किसान भेड़ को पालते हैं और गर्मियां आने तक उन्हें खिलाते हैं। फिर बाल आने के बाद इन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां पर मशीन के जरिए इनके सारे बाल निकाले जाते हैं। कभी कभार यहां काम कर रहे लोगों के ठीक से काम न करने की वजह से इन्हें चोटें लग जाती है। अब इनके अंदर के कचरे को निकाला जाता है, इन्हें पैक किया जाता है और इन्हें दूसरे फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इन्हें सबसे पहले रंग में डुबाया जाता है। अब इन्हें ऐसे मशीन में डाला जाता है जो इन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। अलग होने के बाद अब इन्हें ऐसे मशीन में डाला जाता है जो इन्हें लंबे धागे का आकार देना शुरू कर देता है। अब रोलर की मदद से इनके अलग अलग लेयर बनाए जाते हैं। अब इन्हें फिर से दूसरे रोलर के बीच में डाला जाता है जो उन्हें पतले धागे में तब्दील कर देता है। अब इन धागों के बड़े बड़े रोल्स बनाए जाते हैं और फिर इन्हें दूसरे फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इन धागों से अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को पूरा होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। दोस्तों बचपन में हमने इनसे काफी पेंटिंग्स बनाई होगी और शायद कुछ जन आज भी बनाते होंगे। तो चलिए जानते हैं इन रंगों को आखिर कैसे बनाया जाता है। इन कलर्स को बनाने के लिए अलग अलग वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस वैक्स को 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके पिघलाया जाता है। अब उसमें एक पाउडर डाला जाता है जो इन वैक्स को एक साथ पकड़े रखने में मदद करता है। बाद में उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। अब उसमें कलर डाले जाते हैं, जैसे कि यदि हमें ऑरेंज कलर चाहिए होगा तो उसमें लाल और पीला कलर डाला जाता है। उसमें फिर और लिक्विड वैक्स डालकर मिक्सचर को 45 मिनट तक मिक्स किया जाता है। अब वैक्स को इस मशीन में डाला जाता है जिसे रोटरी मशीन कहते हैं। अब इन मशीन के ऊपर लिक्विड वैक्स डाला जाता है, फिर बाद में उसे ठंडे पानी में रखकर सुखाया जाता है। अब ऊपर के एक्स्ट्रा वैक्स को ब्लेड के मदद से निकाला जाता है। यह मशीन एक साइकिल में 2000 से भी ज्यादा पीसेस बना सकता है। ये कंपनी हर घंटे 30,000 से भी ज्यादा पीसेस बनाती है। अब इन कलर्स को दूसरे मशीन में लोड किया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट इन्हें लेबलिंग करने के लिए आगे भेज देता है। अब दूसरी मशीन इन्हें एक एक करके लेबल लगाती है। लेबल लगने के बाद हर एक कलर के पीस को अलग अलग कंटेनर में डाला जाता है। फिर नीचे चल रहा कन्वेयर ये देखता है कि हर बॉक्स में हर एक कलर सही तरह से गिर रहा है या नहीं। अब आखिर में इन हर एक सेट को बॉक्स में भरा जाता है और दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।